नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज़्यादा देर तक अंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। दोस्तों आप सभी जानते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही फलदायी साबित होता है। ये पर्व नागों की पूजा करके मनाया जाता है। दोस्तों नागों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। नाग पंचमी के दिन देवताओं के रूप में उनकी पूजा होती है। तो ये मैं डिटेल्स पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाग पंचमी की शुरुआत 12 अगस्त गुरुवार को हो रही है 3:24 से। शाम दोपहर के बाद 3:24 से नाग पंचमी का आरंभ हो रहा है और शुक्रवार 13 अगस्त दोपहर में 1:42 तक नाग पंचमी रहेगी। इसमें आपको पूजा का समय सुबह का 5 से और 9 के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो सबसे फलदायी साबित होगी। दोस्तों इसमें भगवान शंकर का शिवलिंग पे अभिषेक भी किया जाता है और नागों को दूध पिलाया जाता है। आपको अगर कुछ लोगों को ऐसी समस्या है बहुत दिनों से कि वो कई प्रयत्न करने के बाद भी और उनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में वो हैं, उनको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ऐसा कब होता है, जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के बीचों बीच जब आ जाते हैं तब एक काल सर्प योग बनता है। काल सर्प दोष उसको कहते हैं और जिसको काल सर्प दोष हो वो कितने भी प्रयत्न करे उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके सभी काम विफल हो रहे हैं, सारे प्रयत्न आपके फेल हो रहे हैं और आप कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय आप नाग पंचमी के दिन कर लें। जिसके काल सर्प दोष से पीड़ित हैं जो लोग, उनको चांदी के नाग नागिन या फिर तांबे के नाग नागिन का जोड़ा आप ले आए और आप या तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप शिवलिंग पे उनको चढ़ा दें। दोस्तों आपका काल सर्प दोष 100% खत्म हो जाएगा और राहु केतु दोनों ही आपके ऊपर खुश हो जाएंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन प्राप्ति की इच्छा से पूजा करना चाहते हैं तो उनको शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। दोस्तों गन्ने के रस से आप
शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, गन्ने का रस अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आपको अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पैसे की आपके पास जीवन में कभी ही कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरा दोस्तों, अगर आप पूरी तरह सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप शहद में घी मिला के और शिवलिंग पे चढ़ा दें तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि चाहे भी सब कुछ आपके जीवन में हमेशा रहेगा। आपके पास कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर शत्रुओं का आए दिन प्रकोप रहता है और वो उनको बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको नाग पंचमी के दिन जो मैंने समय बताया है उस समय में आप सरसों का थोड़ा सा तेल ले लें और शिवलिंग पे चढ़ा दें। दोस्तों आपके शत्रु एक नहीं अगर 1000 भी होंगे तो निश्चय नाबूद हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और वो धीरे धीरे खुद की उलझनों में इतने उलझ जाएंगे कि वो संभलना मुश्किल हो जाएगा और शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसके सिवाय दोस्तों आपको नाग देवता की भी पूजा करनी है। नाग देवता के बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊं। ये 3 प्रकार के हैं, 3 भाई हैं, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र अनंत, तक्षक और वासुकी। ये तीनों भाई ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। तो शेषनाग, अनंत को शेषनाग भी कहा गया है। शेषनाग के बारे में आप सभी जानते हैं, पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है दोस्तों। तो इसलिए नागों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई आपको जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, आप कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो आपको नाग देवता की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। आप कहीं से फोटो में छपा हुआ नाग या नाग की कोई तस्वीर आप ले लें और उसको अपने पूजा स्थान में रख के विधिवत उसकी पूजा करें और उस पर दूध चढ़ा दें। या फिर आप कहीं भी जाएं जहाँ सांप का घर हो, जिसको वामी कहते हैं, वामी में जाके किसी भी बिल में आप थोड़ा सा दूध चढ़ा दें। दोस्तों आपके जीवन में सारे मंगल अपने आप होने लग जाएंगे। आप जिन भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपकी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये नाग पंचमी के दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं मौजूद हैं प्लस आने वाली जो समस्याएं उनका भी नाश हो जाएगा। समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।